इतना इतना बड़ा एक्शन सर कौन सी पिक्चर का था ना वो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन शाहरुख खान की पिक्चर शाहरुख खान की थी? बताएगा मुझे मुझे अरे अच्छी सी चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई एक्सप्रेस है ना कट साइली हाँ तो अब है ना अकेला आदमी हाँ। नहीं खरीद सकता लेकिन जब सब मिलके खरीदते हैं ना तो महाशक्ति तो तभी बनती है एक्चुअली लोकल फ्लोज बहुत ही स्ट्रांग है दी। जो जरूरी नहीं कि आपको वो फ्लोज हमेशा लोकल फंड्स की खरीदारी में दिखे लोकल फंड्स ऐसा नहीं है 35 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है तो वो सारा का सारा वही मैनेज करते हैं पैसा उनके बियॉन्ड कुछ नहीं है एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जो पीएमएस के जरिए आता है बड़ा पैसा ऐसा जो डायरेक्टली लोग खरीदते बेचते हैं बड़ा पैसा ये जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के फैमिली ऑफिस yes. वो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल. So ये सारा पैसा भी कहीं तो मार्केट में आ रहा है करेक्ट जो रिफ्लेक्ट नहीं होता। जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सो आई थिंक लोकल मनी बहुत स्ट्रांग है और दीप इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हम उस दौर में है जिस जमाने में एक बार कभी जापान हुआ करता था जापान में 40-45 साल की इतनी मजबूत तेजी बनी और आई थिंक हम में से सब लोगों को जिन लोगों को कभी भी किसी हमारे लोकल इन्वेस्टर की शक्ति पर भरोसा ना हो हमेशा शक रहे उनको एक बार जापान की तेजी जो 40-45 साल की हुई है उसे पढ़ना चाहिए समझना चाहिए कि, कि किस तरह से अगर जापान की इकोनॉमी मजबूत और उसके साथ उनके लोकल इन्वेस्टर्स मजबूत रहे तो उन्होंने ऐसा बुलरन बनाया जो किसी देश ने कभी नहीं देखा कभी नहीं देखा करेक्ट वैसा बुलरन कभी अमेरिका ने नहीं देखा जो सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री है तो ये सबको पढ़ना चाहिए और अब आप अब आप मुझे बताइए अब तो हमने वो चर्चा करने ही बंद कर दी कि आई बेचते तो तो हम गिरेंगे करेक्ट वो तो चर्चे एक जमाना था हमेशा ये बात होती थी रिटेल रिटेल ट्रैप ट्रैप हो हो गया हो गया अब कब अब पिछली बार कब डिस्कशन हुआ था कि रिटेल ट्रैप हुआ है करेक्ट एक आध दो दिन के मुंह एक्सपायरी वेक्सपायरी वो एक अलग चीज होती है ट्रेडिंग मूव किसी दिन ऊपर नीचे में वो ट्रैप हो जाना कि कॉल शॉर्ट हो गए पुट लॉन्ग हो गए वो एक अलग चीज है लेकिन ऐसे देखा जाए कि मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट पर सब कुछ रिटेल को दे दिया और रिटेल इतना दुखी है कि भाई अब मैं क्या करूं वापस भाव यार वो तो सिचुएशन ही खत्म हो हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। पंद्रह दो पे भी कितने लोग रो रहे थे नहीं। कोई नहीं कॉन्फिडेंस सबका था और लेना है वापस आएगा और आज आपके सामने सो आई थिंक सबसे बड़ी जो गेम चेंजिंग बात है वो ये है दीप की लोकल पैसा इतना है और सबसे बड़ी बात यह कि आप ये भी देखिए लोकल फंड्स बेचते क्यों नहीं और इसका विश्लेषण एक बार पहले भी हमने किया था फिर से करना चाहता हूँ अगर आप तेजी के मार्केट में कैश रखकर अंडर परफॉर्म करते हैं तो उससे बड़ा गुनाह नहीं है exactly. वो क्राइम माना जाता yes. है म्यूचुअल फंड्स के लिए आपसे और आप बेचेंगे तो बेच के लेंगे क्या और नीचे मिलेगा क्या एक्टली exactly. अगर सब कुछ ऊपर जा रहा तो है तो और उसके ऊपर इंक्रीमेंटल फ्लो तो आ ही रहा है आपके पास करेक्ट एस भी बढ़ के आई है सो पैसे तो आ ही रहे हैं आपको नया पैसा आ रहा है अब फर्क इतना है कि वो नया पैसा आ रहा है वो पंद्रह करोड़ आ रहा है कि दस आ रहा है इतना ही डिसाइड करना है लेकिन आ तो रहा है ना और कौन सा एफआई बीस पच्चीस हजार करोड़ का अब बेच रहे हैं अब तो उनकी सेलिंग भी मुश्किल से मतलब आप ये देखो कितनी बची, करेक्ट हाँ, वो तो जो बड़ा बा, हाँ, सेलिंग तो तो हमने बड़ा सेलिंग खत्म तो हो गया जो तो पचास पचास हजार करोड़ चालीस हजार करोड़ की जो सेलिंग होती थी मंथली वो तो खत्म हो गई, सो एक तरफ आपकी सप्लाई घट रही है करेक्ट और दूसरी तरफ पैसा आ रहा है सो आई थिंक लिक्विडिटी डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है ना हमारा जो पैसा है वो जल्दी से जाने नहीं देगा मार्केट को नीचे और, और इसीलिए इस तरह के जब जब बड़े गैप मिलेंगे सबसे पहले खरीदने वाले कौन होंगे Local लोकल म्यूचुअल फंड फिर उनको देखकर जैसे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब सत्रह सात सौ इकहत्तर नहीं टूटेगा जब सुबह हम बात कर रहे थे कि शुरुआत के पांच मिनट में जो लो बना दे उसको आधा घंटे देख लो वो आपका स्टॉप लॉस हो गया लॉन्ग पोजीशन के लिए और आठ सौ पैंतीस पार करते दौड़े दौड़ सात सौ इकहत्तर खुले कल का स्टॉप लॉसौ पचहत्तर लिखवाया थोड़ा सा पच्चीस पॉइंट नीचे कर दो स्टॉप लॉस सत्रह सात सौ पचास होना चाहिए और कल घुमा सत्रह सात सौ इकहत्तर से एग्जैक्टली ये कमाल है कि आपके लेवल पे कहा खरीदारी आती है और किस लेवल के ऊपर निकलते फिर आपको कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है सो आई थिंक डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है जो बाजार को जल्दी से गिरने नहीं देगी और ये जो कल कमाल किया है सारी ट्रेड जय हो <laughs> तीसरी शक्ति को नमन जबरदस्त कल तो बहुत ही बढ़िया मूव आई थी ऐसे थोड़ी पे एक डेढ़ साल से कितना हो गया नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फोर से मार्केट मार्के ट्रेक कर रहा हूँ अट्ठाईस साल मार्केट ट्रेक करते हुए इतनी बड़ी ताकत मैंने रिटेल इन्वेस्टर जिंदगी में कभी नहीं की और ये एक्चुअली मेरा सपना था ये रिटेल इन्वेस्टर इतने बड़े बने हमारे यहाँ के और इसलिए पिछले साल डेढ़ साल से हम बार बार हमने ये शब्द दिया कि तीसरी महाशक्ति तीसरी महाशक्ति बिल्कुल, बिल्कुल ये हमारी तीसरी महाशक्ति की ताकत है जो अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखेंगे जिन्होंने देखी है उन्होंने कुछ नहीं देखी अभी तो शुरू हो रही है अभी कुछ नहीं देखी ये दस करोड़ डीमेट है ना आप और हमारी लाइफ टाइम में तीस से चालीस करोड़ कम से कम हम देखेंगे मजा आ जाएगा आप हमारी लाइफ टाइम में हम देखेंगे होप तो यही है सर बिल्कुल टारगेट बड़ा करोगे जिंदगी बड़ी हो जाए सर इसका भी डबल देखेंगे सर <laughs> क्या बात कर रहे हैं बट बढ़िया एक्शन कल तो जबरदस्त मूव हुआ दिखाई